लगातार 3 शर्मनाक हार के वजह से मुंबई इंडियंस की मालकानी गीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को वापस कप्तान बना दिया है। जी हां दोस्तों, लगातार 3 मैचों में हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी के वजह से गीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को वापस कप्तान बना दिया है। रोहित शर्मा ने कप्तान बनते ही आने वाले आईपीएल मैच के लिए अपनी टीम को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, रोहित शर्मा वापस मुंबई इंडियंस की कप्तान बन गए हैं और कप्तान बनते ही फ्लॉप खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाते वहीं पर 3 से 4 बड़े युवा खिलाड़ी को मिलाकर बनाए खतरनाक प्लेइंग 11। जी हां दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं कि मुंबई का अगला मैच दिल्ली के खिलाफ 7 मार्च को मुंबई की वानखेड़े के स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए मुंबई की नया कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी तरह अपनी टीम को बदलाव करके पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जिसे देखकर दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत के समेत पूरी दिल्ली की टीम अभी से हारने का डर सताने लगा है। तो आखिरकार कैसा रहने वाला है दिल्ली के खिलाफ होने वाले मैच के लिए मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, चलिए वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि दोस्तों आप सबने जानते हैं, 2024 की आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तान हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, जो कि लगातार 3 मैचों में फ्लॉप साबित हो रहे हैं, जिसके चलते मुंबई इंडियंस की मालकानी गीता अंबानी ने हार्दिक पांड्या को कप्तान हिसाब हटा दिया है। अब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का नया कप्तान बन गए। अब चलिए बात करते हैं दिल्ली के खिलाफ मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपने भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करें दिल्ली के खिलाफ मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11, तो ओपनिंग के तौर पर नंबर 1 पर खेलने वाले कप्तानी रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आप सबने तो जानते हैं रोहित शर्मा किस तरह बल्लेबाजी करते हैं, वो आते ही चौका छक्का की बारिश कर लेते हैं और रोहित शर्मा कप्तानी भी काफी शानदार से कर रहे हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे थे, इसलिए मुंबई इंडियंस इस साल काफी खराब प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस फिर से सारी मैच जीतकर प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो रोहित शर्मा काफी शानदार से कप्तानी करते, साथ ही साथ बल्लेबाजी काफी ताबड़तोड़ अंदाज में करते हैं। ऐसे ही नंबर 2 पर खेलने वाले ईशान किशन, जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा के साथ मिलकर ईशान किशन ने काफी शानदार से शुरुआत देते हैं, खासकर पावर प्ले में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि इस साल आईपीएल में ईशान किशन उतना खास प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हम आशा करते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में ईशान किशन काफी शानदार से प्रदर्शन करेंगे, खुल के खेलेंगे। जबकि नंबर 3 पर खेलने वाले तिलक वर्मा, जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर लेते हैं, वो खड़े होकर लंबे लंबे शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस साल आईपीएल में तिलक वर्मा भी उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाले मैच में तिलक वर्मा काफी शानदार से बल्लेबाज करेंगे। जबकि नंबर 4 पर खेलने वाले सूर्य कुमार यादव, जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा कप्तानी बनते ही सूर्य कुमार यादव को वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और सूर्य कुमार यादव किस तरह बल्लेबाजी करते ये तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप सबने तो जानते हैं वो ट्वेंटी में काफी शानदार से प्रदर्शन करते हैं। सूर्य कुमार यादव सामने कौन बॉलिंग कर रहा है वो नहीं देखते, सीधे चौका छक्का की डील करते हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले मैच में सूर्य कुमार यादव शानदार से बैटिंग करके अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। ऐसे ही नंबर 5 पर खेलने वाले टीम डेविड, जी हां दोस्तों, टीम डेविड भी आते ही काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हैं। हालांकि अभी कुछ समय में टीम डेविड भी उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए टीम डेविड भी काफी शानदार से बैटिंग करते हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले मैच में टीम डेविड भी काफी शानदार से बैटिंग करके अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। ऐसे ही नंबर 6 पर खेलने वाले हार्दिक पांड्या, जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या जब से कप्तान बने उतना खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए हार्दिक पांड्या को कप्तान से हटाकर वाइस कप्तान बना दिया है। लेकिन देखा जाए तो हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन फिनिशर है, वो मैच को फिनिश करने में माहिर है, वो किसी भी हार मैच को जिता सकते हैं और हम आशा करते हैं कि हार्दिक पांड्या कप्तानी से हटने के बाद शानदार से बैटिंग करके अपनी टीम को जीत दिलाएंगे। ऐसे ही नंबर 7 पर खेलने वाले मोहम्मद नबी, जी हां दोस्तों, मोहम्मद नबी भी काफी शानदार से बॉलिंग करते हैं और साथ ही साथ जरूरत समय पर शानदार से बैटिंग भी कर लेते हैं। जबकि नंबर 8 पर खेलने वाले फास्ट बॉलर कुमार कार्तिकेया, ऐसे ही नंबर 9 पर खेलने वाले गेरल्ड कॉर्जी, वही नंबर 10 पर खेलने वाले वार्कर किंग जसप्रीत बुमराह, जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा कप्तान बनते ही जसप्रीत बुमराह को भी काफी शानदार से बॉलिंग करके अपनी टीम को जिताना की जरूरत है। और फाइनली नंबर 11 पर खेलने वाले मोफा खा। तो दोस्तों ये रहा दिल्ली के खिलाफ होने वाले मैच के लिए मुंबई इंडियंस की खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा की कप्तान में मुंबई इंडियंस दिल्ली को हराने में सफल हो पाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।